देखो सर आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गए लिए। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी के मारी के इज्जत है। इब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे थे। नहीं एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाए जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर, मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया, ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा। सर वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई, आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम, आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है के? अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवड़ा। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है, मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा पार्टी का मजा लेना, जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। हे पुष्पा के ड्रामा कर रहे, चढ़ गई के तने। मैं ड्रामा नहीं करेगा, आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया, मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ इसी में, दिखाओ। एक और दो और तीन और चार और पांच, पांच और एक छह हो गई, तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें छह गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है, वही गोली इसमें जास्ती है। मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है, इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये है, ये खून ही है मेरा ब्रांड। शेखावत सर भूतनी के, अब सड़े ले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा, मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था,
लेकिन आज मैं झुकेगा ना। जो तू हमारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। अरे चुप, सरकारी नेवले, चल शर्ट उतार। पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। पावर सिंह, पावर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है, है? चल किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहां पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटे हाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर। सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है, कपड़े हो या ना हो अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ये गोष्ट भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। चल हट, आला मोटा शाना।